ये अभी चालू है, अभी इसके अंदर हवा भरी हुई है। अब जैसे इसमें से हवा खाली हो जाएगी तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा ये। चालू हो गया। ये ऑटोमेटिक सीट लगी हुई है, ये दो वायर जहाँ पर लगे हुए वहाँ पर आपको वायर ज्वाइन नहीं करना है, आपको वायर अंदर से ज्वाइन करना है। ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट खोलोगे वहाँ से अंदर से आपको आपका वायरिंग करना है। साथ 20 का डाला कॉपर का वायर लगाना है और 16 एम्पियर का प्लग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट मत करना, यहाँ पे जॉइंट मैंने अभी इसलिए किया है क्योंकि हम हमारे लिए यहाँ पर टेस्टिंग के दो वायर निकालते हैं, तो हमको क्या फटाफट रवाना करना होता है, इसके लिए हम टेस्टिंग के दो वायर लगाते हैं, ठीक है। अभी इसमें ऑयल डाला हुआ है, यहाँ से ऑयल डालना है और यहाँ से ऑयल निकालने का है। 90 नंबर गेयर ऑयल, 450 ग्राम जितना ऑयल जाएगा 90 नंबर गेयर ऑयल, ठीक है। अभी ये ऑयल आपको 7 डेज चलाना है, 7 दिन हो जाए उसके बाद पुराना ऑयल यहाँ से निकाल डालना है, ठीक है। पुराना ऑयल सारा निकल जाए 7 दिन के बाद, फिर आपको वापस आपका ऑयल डालना है इसके अंदर, यहाँ से डालना है। ये ऑयल का लेवल है, इतना ऑयल डालना है, देखिए इतना ऑयल डालना है, पूरा छलोछल नहीं भर देना है, ठीक है। और ये दो फिल्टर है, फिल्टर साफ करने के हैं बराबर। चलो मैं कंप्लीट हो गया, देखिए आपको ये वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक बंद हो गया,